जी सर, उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप तशरीफ लाए हैं, कौन से जो वो प्रोग्राम है वो आपकी नज़र में अहम है इस दफ़ा? बात यह है कि उर्दू कॉन्फ्रेंस, जैसे कि आपको पता है, 15वीं उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस है, और चूँकि मैं आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में कोऑर्डिनेटर वगैरह शुरू डे वन से इसमें शामिल हूँ, तो हमारे लिए तो तमाम सब्जेक्ट, तमाम जितने लोग हैं अहम और सारे अहमियत के हामिल हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जिनकी बड़ी कमी महसूस होगी। इस वक्त जो हमारा इफ्तिताही इजलास है, इसकी जो प्रेसिडियम में जो लोग हैं वो सारे चोटी के लोग हैं, और सारे जितने लोग यहाँ आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं को। अब मेरा चूँकि अफसाना है, नावल है, शायरी है, तो हर एक के अपने अपने शोबे हैं, कोई शायरी में, कोई मौसीकी में, तो सबके माशाल्लाह इसमें अमूर शामिल हैं और बेहतरीन कामयाब, हर दफ़ा ही कामयाब रहती है, और इस दफ़ा इंशाल्लाह और ज़्यादा कामयाब भरपूर तरीके से होगी। अवामुन्नास में उर्दू वाकई ज़िंदा रहेगी, क्योंकि बहुत ही ज़ुबान के अंदर मिक्सचर भी हो गया है, फिर बच्चे जो है पढ़ने में भी मुश्किल पेश आती है उन्हें, रोमन पढ़ लेते हैं आराम से, उर्दू नहीं पढ़ पाते। असल मसला ये है, देखिए उर्दू को कभी ख़त्म किया ही नहीं है, क्योंकि उर्दू है ही वो लश्करी ज़बान, ये अपना रास्ता खुद बनाती है और नहर दरिया की तरह ज़िगज़ैग होते हुए चलती है, और उर्दू आगे बढ़ती रहती है, जहाँ जहाँ जाती है उसके मुताबिक उसमें अकोमोडेशन होती रहती है, एडजस्टमेंट होती रहती है, कोई उनके वहाँ के मकामी अल्फाज उसमें शामिल होते हैं, इसी तरह होती है। उर्दू भी कोई अपनी ज़बान तो नहीं, तुर्की से स्टार्ट हुई, फिर अरबी शामिल हुई, फारसी शामिल हुई, हिंदी शामिल हुई, अब सारी, अब हम पाकिस्तान में देखें यहाँ की चार पांच जो इलाकई सूबाई ज़बान है वो इसमें शामिल, इस तरह की बेसिकली उर्दू जो है ना रबते की ज़बान है, उर्दू कभी ख़त्म नहीं हो सकती चाहे कुछ भी कर लें। अच्छा, ये आप खुद भी माशाल्लाह अदीब हैं, तो अभी अदब के हवाले से आप लोगों का माशाल्लाह बड़ा नाम है, नए आने वालों को क्या मशवरा देंगे? देखें, नए वाले जो है ना सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दें, असल हो क्या रहा है, अब सिर्फ जो है ना कॉस्मेटिक मसाइल ज़्यादा हो गए, बस हमारी किताब छप जाए, हमारा नाम ऊपर हो जाए, और ज़्यादा आजकल ज़्यादा पब्लिक रिलेशन का ज़्यादा जोर हो गया है, और जिसकी पीआर है उसकी किताब भी अच्छी हो रही है, उसकी पब्लिकेशन भी अच्छी हो रही है, और जो आदमी वाकई शायर अदीब जितने लोग होते हैं ना, ये बेसिकली इतने ज़्यादा मजबूत फाइनेंशियली नहीं होते, तो इस वजह से थोड़े पीछे रहते हैं, मगर ये जितने लोग हैं उनको चाहिए कि वो इस किस्म के उसमें हिस्सा लें, और बाकायदा जो है ना रबते के तौर पर उन सबकी सरपरस्त करें, शायर अदीब मौसीकार फनकार जितने हैं जो माशी तौर से माली तौर से कमज़ोर हैं, उनको अगर सपोर्ट करेंगे, उनकी सरपरस्ती करेंगे, तो तकवीत होगी और ये काम आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया सर।